हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा धांसू ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, आज हम SS बाइक में ट्रिक कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ये ब्रेक का जब प्रॉब्लम हो जाता है, फ्रंट ब्रेक का, तो प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। कि मेन रीज़न जो होता है ना हमारा, जब ब्रेक ख़राब हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, फिर हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो आज उसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूं। जैसे ये पुराना प्लेट है, ठीक है, अगर ये चीज़ हमारा कभी भी ब्रेक का टूट जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जैसे कि हमारा टूट जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये पूरा प्लेट बदलना पड़ता है। तो आज मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो प्लेट नहीं बदलना पड़ेगा, वो ट्रिक हमारा यही है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा है, ये अगर हमारा टूट जाता है ये चीज़, तो हमें क्या करना है, इस तरीके का एक पत्ती लेना है, ठीक है। आप पत्ती लेकर आपको एक सुराख कर लेना है इसी तरीके से, और आप न्यू मॉडल का आसानी से ये केबल को लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लगा रखा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से लगाना है, एक पत्ती लेना है, यहाँ पर टाइट कर देना है और उसके बाद यहाँ लगा देना है। तो उससे क्या होगा, आपका ये ड्रम प्लेट चेंज नहीं करना पड़ेगा और न्यू मॉडल का बन जाएगा, ये केबल न्यू मॉडल का लगेगा। जैसे कि अभी हमने ये खोला, ये पुराना मॉडल का था, तो हमने क्या किया, अब नया मॉडल का लगा दिया। उसके लिए क्या करना पड़ा, ड्रम प्लेट भी नहीं बदलना पड़ा और हमारा इसी के सहारे से काम हमारा हो गया, एक पत्ती के थ्रू से। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये ड्रम प्लेट जो होता है ये टूट जाता है, तो फिर हमें बदलना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रिक की मदद से अब हमें प्लेट कभी भी बदलना नहीं पड़ेगा, चाहे कोई सी भी बाइक का अगर टूट जाए, जैसे पैशन प्रो, HF डिलैक्स, CD डिलैक्स, तो अब हमारा ये ओल्ड मॉडल का बदलना नहीं पड़ेगा और ये हमारा कामयाब ब्रेक हो गया। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है, आप देख पा रहे हैं, जितना चाहे हम उतना टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। और आपको हम पहिया को घुमा को ब्रेक मार कर के भी दिखाते हैं आपको, दिलराज घुरा ब्रेक, मैं आपको दिखाता हूँ पहिया घुरा कर। अब देखिए पहिया घूम रहा है और मैं यहाँ से ब्रेक मार रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि नया वर्जन का होता है, उसी तरीके से काम करने लगा, अब हमें कोई तरह का दिक्कत नहीं रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपका दिल करे न्यू मॉडल में लगाने का, तो इस तरीके से केबल को हटाकर आप नया मॉडल में लगा सकते हैं। और इस तरीके से प्लेट अगर आपका टूटता है तो आप तब भी एक पत्ती लगाकर आप जुगाड़ लगा सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट ट्रिक है, आपने शायद पहली बार देखा होगा। तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक बेल आइकन की घंटी दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स। इंटरेस्टिंग जुगाड़ हम करने जा रहे हैं कि ये जैसे हमारा ड्रम प्लेट है, ये चीज़ ओल्ड मॉडल का, ठीक है। तो इसके अंदर आज हम जो ब्रेक केबल लगाएंगे, वो हम इस तरीके का न्यू मॉडल का ब्रेक केबल लगाएंगे, जैसे स्प्लेंडर प्रो बाइक में लगती है, HF डिलक्स, पैशन प्रो। और इसके अंदर जो होता है ये छोटा ड्रम प्लेट में, सिर्फ ये ओल्ड मॉडल का ही लगेगा। यह कभी टूट जाता है ये चीज़, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये प्लेट को बदलना पड़ता है। तो हम इस रीजन में आज जो काम करने जा रहे हैं वो काफ़ी आसान होगा और बहुत सस्ता जुगाड़ है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा, यानी ये प्लेट आपको बदलना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। जैसे इसमें ये वाला केबल अभी लगाएंगे तो ये हमारा ब्रेक काम नहीं करेगा, ये हमारा टूट जाएगा, तो हमें ये नया लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ये जब टूट जाएगा तो ये हमारा जुगाड़ काम करेगा, और दूसरा चीज़ अगर इस तरीके का न्यू लगाना चाहते हैं जुगाड़, ये भी लगेगा। तो कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके का एक पत्ती लेना है आपको, और दोनों तरफ आपको सुराख रखना है, एक इधर सुराख मार लेना और एक इधर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से कस देंगे, ठीक है। यानी कि ये चीज़ हमारा अगर टूटा हुआ है तो यही चीज़ हमारा काम करेगा, यानी कि इसको हम इतने पर रखेंगे और इसको फिर हम ये टाइट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ को एकदम टाइट कर देना है आपको। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ जैसे हमने टाइट किया, इस तरीके से मैंने ये टाइट कर दिया, तो अब हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ देखो इस तरीके से, अब इसको हम कॉटर को डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा ब्रेक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से सेट करके, जो कि आपको दिक्कत ना हो। ये पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और इसको अब हम टाइट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइट हो गया,
अब इसको अब हम हटाएंगे, सीधा इसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नया मॉडल का बन जाएगा, एक सिर्फ पत्ती के सहारे से ये हमारा नया वर्जन का बन जाएगा। और ये ओल्ड मॉडल हम आपको हटाते हैं और नया मॉडल लगाकर आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा दिए केबल को, और यहाँ पर अब हम आपको टाइट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब हम प्रॉपर तरीके से हमारा टाइट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहिया घुमा कर, देखिए मेरा पहिया घूम रहा है, ये ब्रेक लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे, ठीक है।